ये देखिए कितना बढ़िया बनी है, एकदम सुंदर, एकदम गोल गोल। Hey guys, good morning, welcome back to my new blog. फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 11:40। बस मैं रात से बाहर गया था तो अभी आके पहुंचा हूं, तो सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए अभी स्टार्ट कर रहा हूं। और दोपहर तो हो चुकी है, बस आज दोपहर में बनेगा सूजी का कड़ा, आज भाभी ने बनाएगा। चलिए प्रिपेयर करते हैं सूजी का कड़ा बनाने के तरीका, और भाभी बताएगा कैसे बनाना है, तो मैं भी थोड़ा बहुत काम करूंगा भाभी के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं सूजी का कड़ा बनाना। फिलहाल दोपहर को 2 बज रहा है, बस अभी करते हैं लंच, और लंच में बनी है दाल चावल, खाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो भाभी ने बनाने वाला था सूजी का कड़ा, तो स्टार्ट करते हैं खाने के बाद। चलिए पहले लंच कर लेते हैं, फिर बनाएंगे सूजी का कड़ा। फिलहाल अभी खाते हैं डालमा और ये राइस, और उसके साथ में साग खाएंगे। और आज दोपहर में बनी है और डालमा, ये राइस और साग खाएंगे। मोबाइल मोबाइल कौन नेट हो ना किसको कराइए।
फाइनली भाभी आ चुकी है काकरा बनाने के लिए। ये नारियल और ये चीनी, ये सूजी और ये रहा इलायची पाउडर। इलायची को मैंने थोड़ा कूट लिया है और ये देखिए, और इसे फ्लेवर के लिए देते हैं। बस ये रहा कुछ बादाम, जिसे हम बोलते हैं मूंगफली, और पीनट्स भी बोलते हैं। बस इसे हम थोड़ा तोड़ लिया है, बस छोटा छोटा पीस कर लिया है। इसे देंगे उसके अंदर और बढ़िया बनती है। भाभी बहुत दिन से जब से आया है हमारा घर में, तो ये सूजी काकरा कभी बनाया नहीं, वो बनाएगा आज पहली बार। खाएंगे भाभी के हाथ का सूजी काकरा। सारे सामान तो आ चुकी है, बस अभी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे में कढ़ाई भी लग चुकी है, बस अभी करेंगे स्टार्ट। आ चुकी है भाभी। ये रहा चीनी, पहले चीनी दे दिया भाभी ने कढ़ाई में, फिर उसे थोड़ा उबाला जाएगा, जैसे कि पूरा गर्म किया जाएगा। गर्म के बाद वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद वो पानी जैसा हो जाएगा। उसके बाद वो नारियल का जो छिलका निकाल के रखा है, ये वाला जो नारियल रखा है, इसमें डाला जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा प्रोसेस है। ये देखिए चीनी कैसा मेल्ट हो रहा है। और अभी उसके ऊपर भाभी ने डाल दिया वो पूरा हुआ नारियल। अभी डाल दिया मूंगफली और भजा हुआ मूंगफली। और उसके ऊपर डाला जाएगा वो इलायची पाउडर। अभी भाभी ने डाल दिया इलायची पाउडर जो मैंने कूट के रखा था, और वो फ्लेवर के लिए। अभी से फ्लेवर शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा वो स्मेल भी आ रहा है इलायची का। ये जो पानी भाभी ने दिया है, और ये पानी को थोड़ा उबालने के बाद वो डालेंगे सूजी, और उसका बनाएंगे वो पेस्ट जैसा बनाएंगे, जैसे कि हम उड़िया में बोलते हैं खड़ी। बस खड़ी बनाने के बाद वो छोटा छोटा पीठा करेंगे, जिसे हम बोलते हैं काकरा। उसके अंदर देंगे ये वाला सामान, एकदम मस्त बनती है। हमारे उड़िया में बोलते हैं मंडा पीठा, सूजी मंडा भी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी में बोलते हैं सूजी काकरा। पर वो जो सूजी डालने पर मुंडा मुंडा हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा पानी गर्म होने पर वो सूजी डालना पड़ता है। तो अभी डाल दिया भाभी ने सूजी, और उसे थोड़ा चलाना पड़ता है, हल्का हल्का चलाइएगा।
ये देखिए वो कैसे मतलब हार्ड थोड़ा थोड़ा तीखा हो रहा है, मतलब हार्ड हो रहा है और ये एकदम खड़ी जैसा बन जाएगा, एकदम हार्ड हार्ड। तो उसके बाद में हम निकालेंगे उसे। ये देखिए फाइनली हमारा खड़ी बनकर रेडी, और इसे हम चूल्हे से बाहर निकालेंगे, फिर बनाएंगे काकरा। ये देखिए काकरा। मैं थोड़ा सा लेके फैन में दे दिया हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि आज मेरा भाई जा रहा है ना बाहर, जैसे कि चेन्नई जा रहा है, उसी दिन जाने वाला था लेकिन उसका ट्रेन फेल हो गया, तो इसलिए आज जा रहा है। उसके लिए दो चार प्लेट मीठा मैंने फैन में दे दिया है ठंडा होने के लिए। बस ये भी बहुत सारा मीठा बनेगा, जत्ती भी उठ चुका है। ये देखिए जाबला माड़ा। ये भाभी का पहली बार बनाना ये जो काकरा, सूजी काकरा। मैं तो पहले टेस्ट करके बताऊंगा आप लोगों को, अगर इसका बनाना प्रोसेस आप लोगों को अच्छा लगा तो भाभी के लिए एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबाना। देखिए फाइनली हमारा सूजी काकरा बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये लास्ट एकदम आखिरी वाली, बस इसे निकालते हैं। हमारा सूजी काकरा बन के रेडी हो चुकी है। फाइनली काकरा बन के रेडी, बस मैं पहले टेस्ट करता हूँ। थोड़ा गर्म है, बहुत स्वादिष्ट बनी है, फ्लेवर भी मस्त बढ़िया। ये देखिए एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा है एकदम कुरकुरा बना है, अंदर तो थोड़ा थोड़ा नरम रहता है, एकदम मस्त। बढ़िया बनी है, भाभी ने आज कमाल कर दिया, दिल खुश हो गया मेरा, एकदम मस्त बनी है। भाभी के लिए एक लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। दिखाता हूँ देखिए कितना सुंदर बनी है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ पे सारे लोग बैठ के खा रहे हैं, दिल्ली तो खा रहा है लेस, बस मैं भी खाऊंगा अभी, चलिए खाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनी है, एकदम सुंदर, एकदम गोल गोल। भाभी ने आज खूब मेहनत करके काकरा बनाया है, काकरा आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है तो भाभी के लिए एक लाइक जरूर करना,
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। हाय वाले टाइम हो रहा है रात को 9:20, बस करते हैं एडिटिंग स्टार्ट और डिनर तक खा चुके हैं। चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।